हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल रिएक्शनिस्ट। आज हम जिस वीडियो की रिएक्शन देने जा रहे हैं वो है गतिमान एक्सप्रेस इंडिया फास्टेस्ट ट्रेन जर्नी। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम इंडिया की रियल सिचुएशन के बारे में बात करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ हम लोगों ने सुना है और न्यूज़ में भी देखा है कि वहाँ की सिचुएशन काफ़ी ख़राब है और वहाँ काफ़ी ज़्यादा डेथ्स हुई कोविड की वजह से। तो हमारे प्रेयर्स उनके साथ है और हम दुआ करते हैं कि इंडिया के हालात बिल्कुल बेहतर हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वेलकम बैक विद न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो होने वाली है ट्रेन नंबर 12050 गतिमान एक्सप्रेस, जो कि वीक में 6 दिन चलती है, सिर्फ फ्राइडे को छोड़कर। और ये ट्रेन हजरत निजामुद्दीन से झांसी के बीच चलती है और गतिमान एक्सप्रेस टोटल 403 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है विथ एवरेज स्पीड ऑफ 91 किलोमीटर पर आवर। आप जो देख रहे हैं मेरे पीछे यही है गतिमान एक्सप्रेस और इसका मैक्सिमम गतिमान का हम लोगों ने एक और रिएक्शन वो दिया हुआ है, आप वीडियो लिंक मिल जाएगा। 160 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से जर्नी करने वाला है, वो भी गतिमान एक्सप्रेस में। आप लोगों का डिमांड था, कई लोग बोल रहे थे भाई गतिमान एक्सप्रेस का मुझे वीडियो चाहिए, आप बोले और मैं वीडियो ना बनाऊँ, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। चलिए फिलहाल मैं आ गया हूँ अभी हजरत निजामुद्दीन स्टेशन और प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे ये गतिमान एक्सप्रेस लगी हुई है और अपनी कोच है C4 सीट नंबर 31। चलिए चलते हैं। ये शायद कोविड से पहले की वीडियो होगी ना, इस वजह से हर चीज़ नॉर्मल है। काश पहले जैसे हो जाए हर चीज़। कितना हमने फॉरगेट किया उसने चीज़ों को। सो अपनी ट्रेन निकल चुकी है हजरत निजामुद्दीन से और टाइम हो रहा है 8:10, बिल्कुल टाइम से ये ट्रेन निकली है। इंडिया की ट्रेन बहुत टाइम पे, लाइक एक मिनट की देर। हजरत निजामुद्दीन ये नॉर्मल स्पीड से भाग रही है, बहुत ज्यादा क्या है 2x ऐसा लग रहा है। और लोग कैसे नॉर्मल बैठे हुए हैं, अच्छी कंफर्ट नहीं हो रहा है, मतलब बहुत स्लोली जा रही है। यहाँ देखिए ब्रेकफास्ट लग रहा है, ब्रेकफास्ट में क्या क्या रहता है भैया बता सकते हैं क्या? ब्रेड बटर जैम। अच्छा, और आलू पराठा या कटलेट या साउथ इंडियन? वेज और नॉन वेज दोनों। नॉन वेज में ऑमलेट। सो अभी टाइम हो रहा है 8:40 और अभी आपके भाई का ब्रेकफास्ट आ गया, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ब्रेकफास्ट में क्या है। हमने वेज ऑर्डर किया था, मतलब जब ऑनलाइन टिकट बुक कराते हैं उस वक्त ऑप्शन दिया जाता है वेज और नॉन वेज का, तो हमने वेज दिया था। तो देखते हैं वेज में क्या क्या। कटलेट ये फ्रूटी, ये मिक्स फ्रूट जैम, बटर, ब्राउन ब्रेड। ये अमूल मुझे लगता है कि काफ़ी बड़ा ब्रांड है वहाँ पे इंडिया पे। और ये पार्ले जी, पार्ले जी हाँ, ये टिश्यू पेपर स्पून। ये वेज का, नॉन वेज में सेम रहता है, बस उसके जगह पे आपको आमलेट मिलता है, बस काफ़ी चीज़ें मिली हैं स्टार्टिंग। हाँ साफ है यार, ग्रीनरी को बिल्कुल अच्छे से मेंटेन किया हुआ है।
सो इट्स ओके गाइस, नाउ वी रीच आगरा कैंट जिसका स्टेशन कोड है AGC। और अब तक हम लोग डिस्टेंस आगरा पे भी हमने 87 किलोमीटर उसका नहीं दिया आपको 1 आवर और 50 मिनट में, मतलब 1 घंटा 50 मिनट में हम लोग डिस्टेंस कवर किए हैं 187 किलोमीटर। तो यहाँ से अगर ताजमहल जाते हैं तो आधा घंटा का रास्ता है। यहाँ से आप फोटो ले, ऑटो लेके आप आगरा का ताजमहल का दीदार करें। और हाँ, अगर आप आगरा आते हैं तो फिर आगरा का अगर पेठा ना खाएं तो बेकार है। आगरा आए तो आगरा का पेठा जरूर ट्राई करें। तो आगरा मात्र 5 मिनट का हॉल्ट है, उसके बाद ट्रेन रुकेगी ग्वालियर, उसके बाद इसका लास्ट डेस्टिनेशन होगा झांसी। यहाँ आपको डस्टबिन मिलेगा, मेरा डस्टबिन, उसके नीचे फायर एक्सटिंग्यूशर है, पाउडर टैप जिसे हम लोग DCP टैप भी कहते हैं। और चलिए मैं अब आपको अंदर ले चलता हूँ। तो फिलहाल आपका भाई आ चुका है गतिमान एक्सप्रेस के बाथरूम में और मैं आपको बाथरूम का इंटीरियर दिखाता हूँ, इसमें क्या क्या फैसिलिटी दिया हुआ है। आप देख सकते हैं सामने मिरर है, ऊपर लाइट दिया गया है, ये स्मोक डिटेक्टर है, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो डिटेक्ट कर लेगा, फिर बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। ये हैंड वॉश ट्रिमर के लिए सॉकेट दिया गया है, दरवाजा खोल सकते हैं, नीचे डस्टबिन हुआ, मतलब अगर स्मोकिंग ना ही किए एयर भी हुआ। और ये देख ले हैंड होल्ड करने के लिए एक होल्डर केबिन्स के अंदर केबिन का अपना नाम है C4। काफी बड़ा स्टेशन है यार, चलते ही जा। सो फाइनली वी रीच आवर फाइनल डेस्टिनेशन ग्वालियर जंक्शन जिसका स्टेशन कोड है GWL, यानी कि सिर्फ एक स्टेशन। मान एक्सप्रेस का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है, इसके बाद ट्रेन अपने लास्ट डेस्टिनेशन झांसी की ओर निकलेगी। लेकिन आपके भाई का ग्वालियर ही लास्ट डेस्टिनेशन था क्योंकि यहाँ से फिर एक नया जर्नी स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए अब मैं बात करता हूँ इस ट्रेन के कोच कंपोजिशन और फेयर के बारे में। अगर आप गतिमान एक्सप्रेस से ट्रेवल करते हैं तो इसमें दो तरह का कोच है, एक है CC जिसे हम लोग चेयर कार कहते हैं, AC चेयर कार, और एक है एग्जीक्यूटिव चेयर कार। तो CC से अगर आप ट्रेवल करेंगे तो आपको ऑलमोस्ट 1100 रुपया, मतलब 1100 रुपीज चार्ज है हजरत निजामुद्दीन से झांसी का। अगर आप एग्जीक्यूटिव चेयर कार में अगर ट्रेवल करेंगे तो उसका चार्ज 2300 ऑलमोस्ट। और हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, उसी में फूडिंग इंक्लूड है, फूडिंग के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा पे नहीं करना होगा, दोनों में फूडिंग इंक्लूड है। और फूडिंग की बात करें तो उसमें वेज और नॉन वेज दोनों फैसिलिटी आपको मिल जाएंगे, और वेज में भी 2 वेज का ऑप्शन है और नॉन वेज में 1 वेज, 1 नॉन वेज का ऑप्शन है। ये फूडिंग फैसिलिटी भी इसमें मिलेगा, उसके बाद साथ साथ आपको
टी का फैसिलिटी, कॉफी का फैसिलिटी वो मिलेगा। और अगर आप एक मिनट और हो रहा है काफी, मैं आपको गतिमान एक्सप्रेस का लोकोमोटिव दिखाना जा रहा हूँ, जो कि गाजियाबाद का वेब 5 लोकोमोटिव है। आवाज़ शायद आपको क्लियर आ रहा होगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ लोकोमोटिव। मैं देखिए बस आज मुझे पता चला व्लॉगिंग में कितनी मुश्किल सामना करना पड़ता है। निकल जाएगी अपने लास्ट डेस्टिनेशन की ओर। रेडी टू गो। बहुत अच्छी पिक है यार, बहुत चल। सो ये थी इंडिया फर्स्ट सेमी हाई स्पीड ट्रेन। बहुत अच्छी पिक, आई होप आपको मजा आया होगा। अगर मजा आया तो पता है आपको क्या करना है, हिट द लाइक बटन करो ना भाई। अगर चैनल पे पहली बार आए तो भाई को सपोर्ट करें, प्लीज लाइक करें हमारी वीडियो को, हम इनके चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे और हमारे चैनल को भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ट्रैवल ब्लॉग दिखा रहा है, सो सपोर्ट करें भाई को। अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं अगले ब्लॉग में फिर से कुछ नई चीज़ों के साथ, फिर से एक नया जर्नी होगा। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, और हाँ थोड़ा समय मिले तो अपने भाई का भी ख्याल रखना। अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे, या बात करना चाहते हैं, कुछ भी सजेशन देना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। यूज़र आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वैसे आप डिस्क्रिप्शन में भी जाके चेक कर सकते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी, मज़ा आया। हम गतिमान के दूसरे वीडियोस पे भी रिएक्शन दे चुके हैं, हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे और आई बटन में भी उसको लगा देंगे, आप उसको भी जाके देखिएगा। हमने उधर स्पीड की और बाहर से मतलब वीडियो भी उसके ऊपर रिएक्शन दिया हुआ है। ये इनसाइड व्यू बहुत इंटरेस्टिंग था, मतलब जो फीचर्स थे, मतलब जो खाने के लिए मतलब जो चीज़ सर्व करते थे, बहुत ज़्यादा मज़ा। मतलब हमारा रोज़ा भी है ऊपर से हो तो क्या बोलते, ज़्यादा ही इंटरेस्ट था उसमें। उसके अलावा स्पीड, मतलब जितनी स्पीड से ट्रेन जा रही थी अंदर से, मतलब वीडियो में हमने देखा इतना फील नहीं हो रहा था। हालांकि कुछ ट्रेनें होती है कम स्पीड पे भी मतलब ज़्यादा उसकी वाइब्रेशन होती है, ये अंदर से इतना फील नहीं हो रहा था कि मतलब ये इतनी ज़्यादा स्पीड पे जा रही है। पता नहीं ये फ्लो किस तरह था, ये फिर आप लोग हमें कमेंट में बताइए। तो इसके अलावा ओवरऑल बहुत प्यारी वीडियो थी, बहुत मज़ा आया ये वीडियो देखकर। बिल्कुल सही, वीडियो तो काफ़ी अच्छी थी, और मैं तो इनकी जो इनकी वीडियो को अप्रिशिएट भी कर रहा हूँ कि उन्होंने कितनी मेहनत कर रहे हैं वीडियो के साथ। तो ओवरऑल गतिमान एक्सप्रेस की तुम लोगों ने वो बाहर से वो दिया हुआ था रिएक्शन, लेकिन अंदर से काफ़ी अच्छा था, क्योंकि मैंने देख के क्या चीज़ का चार्जिंग के लिए वो स्विच दिया हुआ था, बाथरूम की कंडीशन काफ़ी अच्छी थी और कम्फर्ट लेवल काफ़ी अच्छा था, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और स्पीड भी अच्छी थी और टाइम पंक्चुअलिटी का काफ़ी ख्याल रखा हुआ था हुआ था। और ये कस्टमर को के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि जब ट्रेन टाइम पे निकलेंगी तो वो टाइम पे ही वहाँ पहुँचेगी। तो ओवरऑल मुझे काफ़ी अच्छी लगी वीडियो देख के, बहुत अच्छा लगा। जिस तरह से मेंटेन किया गया है चीज़ को, मैं सफाई का देख रहा था, जो रेलवे स्टेशन की सीलिंग थी वो हालांकि नॉर्मल स्टेशन पे बहुत सादी होती है, अगर हम पाकिस्तान रेलवे की बात करें तो वो
बहुत सिंपल चीज़ें रखते हैं, चाहे वो कोई नया स्टेशन हो या पुराना स्टेशन हो। इसमें से ऐसी फील आ रही थी जैसे आप किसी एयरपोर्ट के बाहर जो लॉबी होती हैं वहाँ बैठे हुए हैं, या वहाँ वो उस तरह का व्यू दिखा देने की कोशिश की गई थी कि जो पैसेंजर है उसको भी सेटिस्फाइड किया जाए। और जिस तरह से उन्होंने हर चीज़ को मेंटेन किया हुआ था, बहुत अच्छे से खाना पैक करके और उसको डिस्पोजेबल में देकर विदाउट एनी, यानी कि ज़्यादा प्लास्टिक यूज़ नहीं किया गया था, पेपर जो है उसको ज़्यादा यूज़ किया गया था। और बहुत टाइमिंग के हवाले से जो ट्रेन बहुत अच्छी निकली है, मुझे अच्छा लगा इस बात को देख के। और पूरी ट्रेन एक तो एयर कंडीशनड है, और ऊपर से जो बाथरूम्स की कंडीशन है वो भी बहुत अच्छी। और मुझे सबसे इंटरेस्टिंग ये चीज़ लगती है कि इंडियन रेलवेज़ अपनी ट्रेन में पैटर्न बहुत यूज़ करते हैं, जो कि ट्रेन को और ख़ूबसूरत बना देती है। वो सिंपल नहीं रखती, अगर कोई सिंपल ट्रेन है तो वो प्रीमियम नहीं है। फिर प्रीमियम ट्रेन्स की ये बहुत ही ख़ास बात है जो देख के बहुत मज़ा आता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो देख के भी मज़ा आया होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हम आते हैं आपके लिए यहाँ वीडियोस बनाने। पाकिस्तान में भी COVID-19 की सिचुएशन इतनी कोई ख़ास नहीं है, तो यहाँ भी कैसे ऊपर जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम अपने सारे प्रिकॉशंस लेते हुए आप लोगों के लिए आते हैं और इस खूबसूरत सी जगह पे वीडियो बनाते हैं ताकि आपको हमारी वीडियो ज़्यादा अच्छी लगे। तो उम्मीद करता हूँ बिल्कुल, तो आप अपने घर में रहें, सेफ़ रहें और जहाँ भी रहें खुश रहें। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे। तो हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।